तकरीबन 300 साल पहले का कलकत्ता। उस समय हिंदुस्तान का विभाजन नहीं हुआ था। कलकत्ता उस समय बस एक गांव था। ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट जॉब चार्नक ने सोच समझकर इसे बरतानवी व्यापारियों की बस्ती के तौर पर चुना। बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने कलकत्ता से उत्तर में मुर्शिदाबाद में अपनी राजधानी बनाई। उनके बाद कई और नवाबों ने बंगाल पे हुकूमत की। यह मुगल काल था, लेकिन मुगलिया सल्तनत का तख्त डोल रहा था। विदेशी व्यापारी, खासकर डच, आर्मेनियन, फ्रेंच और ब्रिटिश, हिंदुस्तान के बाजार पे कब्जा पाने की जद्दोजहद में थे। ब्रिटिश व्यापारी किसी भी कीमत पर इस बाजार पर कब्जा करने को आमदा थे। 1717 में मुगल शासक फर्रुख सीर ने 3000 रुपए सालाना अदायगी पर ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना शुल्क व्यापार का पूरा अधिकार दे दिया। हमारी कहानी शुरू होती है जब अली वर्दी खां की हुकूमत का आखिरी दौर चल रहा था। अली वर्दी खां, मिर्जाफर, सिराजुद्दौला, इन सब की तस्वीरें हमें नहीं मिलती, सिवाय दो एक तैल चित्र के, जो कि ब्रिटिश चित्रकारों द्वारा तैयार किए गए थे। उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पोशाकें आज दुर्लभ हैं। यहां तक कि उस समय जंग में इस्तेमाल किए गए दो एक हथियारों को छोड़कर बाकी सभी का कोई भी प्रमाणिक अस्तित्व नहीं है। हमने इस डॉकू ड्रामा में उस समय को पकड़ने की एक छोटी सी कोशिश की है। अली वर्दी खां, मिर्जाफर, सिराज, इनकी तस्वीरों को मद्देनजर रखते हुए हमने चरित्रों का चरित्रायन किया है। नवाब अली वर्दी खां के प्यारे पोते सिराजुद्दौला के शासनकाल में सन 1757 में पलासी की जंग लड़ी गई। अपनी मौत से कुछ बरस पहले नवाब अली वर्दी खां बीमार पड़ गए। अली वर्दी खां की पत्नी बेगम सरफ उन निसा और पोते सिराजुद्दौला हमेशा अली वर्दी खां के दरबार में हाजिर रहते थे। इन मराठाओं ने तो नाक में दम कर रखा है। जहां पना ये आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ते, अचानक हमला कर देते हैं। पहले से कुछ भी कहना मुहाल है। लेकिन रियाया का क्या होगा? वो तो बेजार है। जंग फिर से लड़ाई छेड़ी जाए। जहां पना, मेरा तो कहना है कि हाँ बोलिए। रघुजी भोसले और बालाजी, किसी एक को अपने और मिला लीजिए। सही फरमाया, किसी एक को ये जिम्मेदारी सौंपनी होगी। हमें अंग्रेजों की साजिश पर भी नजर रखनी होगी। सारे मोर्चों पर एक साथ जंग नहीं लड़ी जा सकती है सिराज। अगर हमारे लिए कोई सबसे बड़ा खतरा है तो वो अंग्रेजी हैं। इतिहासकारों ने सिराज की लापरवाह जिंदगी की बहुत सी घटनाओं का उल्लेख किया है। ज्यादातर लेखकों ने अपने लेखों में सिराज को एक बदमिजाज, दुष्चरित्र, क्रूर और अय्याश नवाब के रूप में दर्शाया है। परंतु इतिहासकार अक्षय कुमार मोइत्रोई ने विभिन्न प्रमाणों को दर्शाते हुए इन सारे लेखकों के लेखों का खंडन किया है। क्या सोच रहे हैं नवाब साहब? भाई क्यों हंस रहे हो तुम लोग? खुशी है, जवानी है। कोई नहीं है मेरे दादा हुजूर जैसा।
अपने बेटे की तरह मानते हैं वो आपको, लेकिन मैं, मुझे तो उन्होंने गोद लिया है। हाँ तो दादा हुजूर ने अपनी सारी जिंदगी गुजार दी अपनी रियाया के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते, अभी बागियों को रोकना है, अंग्रेजों का सामना करना है, और अफगान, अफगान ने तो मेरे अब्बा हुजूर को ही मार डाला, वो भी सलाम करने के बहाने। चलो हीरा झील लौट चलो। सिराजुद्दौला बिहार के नवाब बने, परंतु इससे पहले कि वो राजकाज संभालें, अलीवर्दी खान ने अपने विश्वस्त जानकी राम को बिहार के प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त किया। अपने मालिक के हुक्म को मानते हुए जानकी राम ने पटना के किले को अपनी देखरेख में संभाले रखा। ये बात सिराज को नागवार गुजरी। अच्छा होता जो आपने मुझे नवाब न बनाया होता, नवाब तो मैं बस नाम के लिए रह गया हूं, एक मजाक की चीज। नहीं समझे तुम नवाब हो, लेकिन नवाब भी वक्त का मोहताज होता है। लेकिन मेरी परख कैसे होगी अगर मुझे हुकूमत करने का मौका नहीं मिलेगा तो? क्या होगा जो जानकी राम थोड़े ही दिनों में और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा? मेरी समझ में नहीं आता, आपने मीर जाफर और अताउल्ला दोनों को ही बख्श दिया, जिन्होंने आपके खिलाफ जान से मारने की साजिश रची थी, मुझसे क्या उम्मीद करते हैं आप? हर महीने चुपचाप तनख्वाह लेता रहूं और दरबार में बैठे बैठे अपना वक्त गुजारता रहूं? वक्त तुमको सब कुछ सिखा देगा सिराज। आप यहीं रहिए, मैं मुर्शिदाबाद रवाना होता हूं। सिराज ने अलीवर्दी खां से झूठ कहा कि वो मुर्शिदाबाद लौट रहा है, दरअसल वो पटना के किले पर कब्जा करने के लिए रवाना हो चुका था। क्योंकि मेहंदी निसार खान ने सलाह दी कि पटना पर कब्जा करो, वरना सब कुछ जानकी राम के हाथों में चला जाएगा। सिराज की फौज ने पटना के किले पर हमला तो किया, मगर वो कब्जा नहीं कर पाए। जानकी राम ने अलीवर्दी खां की इजाजत के बगैर सिराज को किले के अंदर आने की अनुमति नहीं दी। इस जंग में निसार खान मारा गया। सिराज की फौज पीछे हट गई, मगर सिराज अलीवर्दी खां के पटना आने की उम्मीद पर बैठा रहा। अताउल्ला खान से ये बता दिया है कि सिराज हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो फिर अताउल्ला ने क्या कहा? उसका कहना है कि हमारे पास फिर रास्ता ही क्या है। बिल्कुल सही कहते हैं वो। अरे नवाब साहब को सिराज का कोई कसूर तो दिखता ही नहीं है, जान से प्यारा है उनको वो, उनकी आंखों का तारा है सिराज। नहीं जगत सेठ, आप फिक्र मत करिए, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो हमारा साथ देंगे। मीर साहब, हमने तो ये भी सुना है कि अंग्रेज नए नए किले बनवा रहे हैं, ढेर सारे हथियार इकट्ठा कर रखे हैं उन्होंने। छोड़िए जगत सेठ, आप अपने बारे में सोचिए, हमारे बारे में सोचिए कि हमें क्या करना है।
बेशक दादा हुजूर का बच्चा होगा सिराज, लेकिन एक नंबर का शातिर है वो, चालाक है वो। उसे तो ये भी शक हो गया है कि मैं ग्यासीती बेगम के साथ मिलने जुलने लगा हूं। क्या बात कर रहे हैं? आइए आइए राजबल्लभ जी, आइए आइए, तशरीफ रखिए। नमस्कार। बैठिए बैठिए। धन्यवाद। अरे हर छोटी मोटी बात पे हमारा अपमान कर देता है वो। अरे भाई कौन? और कौन? अपना सिराज। अरे क्या बताएं जना, आम गृहस्थों की औरतों पे भी नजर रहती है उसकी। तो लीजिए सुनिए इनकी। औरतों के मामले में किसी भी खास मजहब को तरजीह नहीं देता वो, बस औरत होनी चाहिए चाहे वो किसी भी मजहब की। और यहाँ हमारे हमारे नवाब अलीवर्दी साहब, अब वो ज्यादा दिन बचेंगे नहीं। सब यही कह रहे हैं। सिराज को परास्त करने का एक तरीका है, उसके बारे में जितनी भी अफवाह है लोगों के कान तक पहुंचा दो। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। हमारे मौजूदा नवाब अली वर्दी साहब के रहते हमें थोड़ी बहुत आजादी तो है, मगर ये सिराज जवान है, बेसब्र है और अव्वल दर्जे का लापरवाह। उसे तो इतनी सी बात की तमीज नहीं कि बड़ों को इज्जत कैसे देते हैं। सही फरमा रहे हो। क्या किया जाए, क्या किया जाए? अब चुप बैठने से काम नहीं चलेगा। हाँ कुछ तो करना ही पड़ेगा। सिराज का इलाज तो होना ही चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आप लोग फिक्र मत करिए। ग्यासीती बेगम का भी कहना है कि वो हमारा भरपूर साथ देंगी। देखिए आप लोग बिल्कुल फिक्र न करिए। अंग्रेजों का ये कहना है कि वो हमारा साथ देंगे तो हम उनका भी साथ देंगे। अल्लाह ताला ने चाहा तो हम सिराज का इलाज कर देंगे। राज दुर्लभ जी, आप पटना का व्यापार संभालेंगे। अंग्रेज आपको नए नए तोप हथियार गोले बारूद देंगे। सोचिए हम इस पूरे मुल्क पे राज करेंगे और अंग्रेज, अरे वो तो हमारे मेहमान हैं, आज हैं कल चले जाएंगे, उसके बाद कौन? इस पूरे मुल्क पे सिर्फ हमारा राज होगा। आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैंने सारी तैयारी कर दी है। शहजादा होने के बावजूद सिराज अली वर्दी खां के सिपा सालारों पर हुक्म चलाने से भी पीछे नहीं हटता था। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अंग्रेज एक दिन हमारे सुनहरे हिंदुस्तान की सरजमी को रेगिस्तान में तब्दील करके रख देंगे। मैंने दादा हुजूर से पहले भी कहा था कि अंग्रेजों का यह लुका छिपी वाला व्यापार एक दिन हमारे व्यापार को ले डूबेगा। लेकिन उनके पास तो बादशाह का फरमान है। फरमान में लिखा है कि अंग्रेज कंपनी बिना महसूल दिए अपना व्यापार कर सकती है, मगर वो तो निजी तौर पर अपना व्यापार कर रहे हैं और कंपनी के नाम पर हमारी रियाया को धमका रहे हैं। फरासी, डच, डेन सभी लोग यहां व्यापार कर रहे हैं, मगर उनसे हमें कोई खतरा नहीं है क्योंकि वो हमें पूरा महसूल देते हैं। मगर ब्रिटिश हमें काला आदमी कहते हैं, बाकी लोग नहीं। मैं हुक्म देता हूं कि उनकी सारी नौकाओं की तफ्तीश हो, अगर एक भी बंदा निजी तौर पर व्यापार करता पाया जाए तो उसकी नाव जब्त कर लो और महसूल ठोक दो उस पे। समझे आप लोग? Cheers for our new business. Awesome. Sir, अली वर्दी खान को हमारे मंसूबों की भनक भी नहीं लगी। लगे भी तो क्या कर लेगा? ये तो कितनी सारी वजह है। लेकिन हमारे किले की मरम्मत, किले की मरम्मत, हिंदुस्तान के लोग यूरोप की औद्योगिक क्रांति के बारे में कुछ नहीं जानते। हमें तो बस कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल? इस मुल्क में इसकी कोई कमी नहीं। सर, सिर्फ रकम के दम पर काम नहीं होगा, हमें अपने बाजुओं की ताकत भी लगानी होगी।
बाजियों की ताकत। जस्ट वेट एंड सी। पटना के किले पर सिराज का कब्जा न हो सका, पर सिराज अलीवर्दी खां के इंतजार में बैठा रहा। उसे पता था कि अलीवर्दी खां पटना जरूर आएंगे। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सारे ख्वाब देखे हैं मेरे बच्चे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए तुम सबसे अच्छे नवाब साबित होगे। मीर जाफर, तुम मुझे अजीजों से भी अजीज हो, पूरा यकीन है मुझे तुम पर। तुमने एक बार मुझे तख्त से हटाने की कोशिश की थी, मैंने तुम्हें माफ कर दिया था, तुम्हें याद होगा। कोई सजा नहीं दी थी तुमको। मुझे याद है जहां पना, इसलिए तो मैंने अफगानों से लड़कर आपकी बेटी को वहां से बचाया था। मीर जाफर, तुमको पाक कुरान की कसम है, तुम सिराज की मुखालफत नहीं करोगे। सिराज अगर अंग्रेजों के खिलाफ जाता है तो तुम उनकी तरफदारी नहीं करोगे। मुझे पाक कुरान का वास्ता है, अगर सिराज अंग्रेजों से जंग लड़ेंगे तो मैं उनके खिलाफ हथियार नहीं उठाऊंगा। मैं जानता हूं तुम लोग सोचते हो कि मैं सिराज की मोहब्बत में अंधा हूं, ऐसा नहीं है। मैं शराब के सख्त खिलाफ हूं। मैंने कई बार सिराज को बोला भी है, औरतों को लेकर उसकी कमजोरी के बारे में भी सुना है मैंने। लेकिन एक बात बोलूं मीर जाफर, उसने जितने कसूर किए हैं लोग उससे ज्यादा बातें करते हैं। मैं उसकी कमजोरियों की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, ना ही उसकी वकालत कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने तजुर्बे से एक बात जानता हूं। मैंने सिराज में एक बच्चों की सी मासूमियत देखी है, और उसी मासूमियत के बल पर उसने बहुत पहले समझ लिया था कि अंग्रेज लोग हमारे खानदान को नेस्त नाबूद कर देना चाहते हैं। उसने बहुत पहले जान लिया था कि कौन लोग साजिश कर रहे हैं। जहां पना, आपको शक है? आपको शक है कि मैं साजिश कर रहा हूं? उसने कई बार मुझसे पूछा कि अंग्रेज लोग क्या सिर्फ व्यापार कर रहे हैं, तो फिर वो किले क्यों बना रहे हैं, जंगी जहाज क्यों गढ़ रहे हैं, सिपाही क्यों बुला रहे हैं? यूरोप के दूसरे लोग तो ऐसा नहीं करते हैं। मैंने खुलकर कभी भी उसकी तरफदारी नहीं की, लेकिन शक के बादल दिमाग में मंडराते रहे। तुम्हें याद होगा इस बारे में मैंने अंग्रेजों को कोई खत भी लिखे थे। बहुत सारी बातें दिमाग में आती हैं मीर जाफर, बहुत सारी बातें आती हैं। तुम जा सकते हो।
आसमान में क्या देख रहे हैं दादा हुजूर? काले बादल। थोड़ी बारिश होगी मगर जल्दी ही ये बादल छट जाएंगे। पहले तुम्हें अपने आप को तूफान से बचाना होगा सिराज। मेरे बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है दादा हुजूर, मैं अब बड़ा हो चुका हूं। फिक्र? तुम्हारे अब्बा तो चले गए, मैं भी चंद दिनों का मेहमान हूं। मैं तो अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि तुम्हारे खिलाफ साजिश कितनी गहरी है। मैंने हमेशा आपसे एक ही बात सीखी है कि खतरों का सामना करना चाहिए। काश मैं चंद साल और जी पाता। बाहर के दुश्मन, घर के दुश्मन, दौलत ताकत सब ने घेर लिया है तुमको। अगर आपको पता है कि वो कौन लोग हैं तो उन्हें सजा क्यों नहीं देते? बहुत सारी बातें मेरी समझ में आती हैं लेकिन कुछ करना मुश्किल है। मेरी हालत भी तुम्हारे जैसी है। जो खिलाफ हैं उन्हें मिटा दीजिए। सियासत की ताकत बहुत सारे खंभों पर टिकी होती है सिराज। शक के बिना पर एक खंभे को भी गिराया तो हो सकता है बाकी सारे खंभे भी अपने आप ही ठहर जाएं। खैर छोड़िए इन बातों को दादा हुजूर, आप जल्दी से ठीक हो जाइए। हम लोग हीरा झील चलेंगे। आप ना तो नाच देखते हैं ना गाना सुनते हैं, सिर्फ कुछ ही लोगों की परवाह करते रहते हैं। नाच गाना मेरे लिए नहीं है सिराज, लेकिन मैं तुमको खुशी हासिल करने से रोकता भी नहीं। आप नाराज होके कह रहे हैं। अच्छा अब जाओ सिराज। अब क्या? कुरान पर हाथ रखो। ताज्जुब है, जब आप मेरी उम्र के थे तो क्या हाथ में कुरान रखा करते थे? हाथ रखो। अब कहो कभी शराब को हाथ नहीं लगाओगे? कहो। मैं कसम खाता हूं कि जिस दिन से नवाब बनूंगा कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था कि अंग्रेज व्यापारियों ने दूसरों की नौकाओं और जहाजों को लूटना शुरू कर दिया। कंपनी के अधिकारियों और उनके रिश्तेदारों ने
बिना महसूल दिए अपना निजी व्यापार शुरू कर दिया। ऐसे वक्त में सिराज ने राज्य संभाला और अंग्रेजों की कारगुजारियों से बहुत सख्ती से पेश आए। गर्वान्वित नवाब और लालची विदेशी व्यापारियों के बीच संघर्ष की शुरुआत हो गई। नवाब सलामत रहे। सलामत रहे। सलामत रहे। सलामत रहे। हमें खुशी है कि आप लोगों ने हमें इस लायक समझा। हम अपनी रियाया के लिए अपना फर्ज पूरी तरीके से निभाएंगे। हमारी खुशी इसी में है कि हमारी रियाया अमन चैन के साथ रहे, और जो अंग्रेजों का कहर हम लोगों पर टूट रहा है, अंग्रेज व्यापारियों ने जो हम लोगों के साथ गद्दारी करनी शुरू की है और आप लोगों के साथ ज्यादतियां की हैं, उसके लिए उनको अंजाम भुगतना पड़ेगा। हमारी खुशी किसमें है? हमारी रियाया में। हम चाहते हैं कि आप सब लोग खुश रहें। आप ही की खुशी हमारी खुशी है। और जहां तक टाना के उस किले की बात है, तो अंग्रेजों को उसका सबक अच्छी तरह से दिया जाएगा, और हमारी रियाया में जो गद्दार पनप रहे हैं उनका हमको सफाया करना होगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग इसमें हमारा साथ देंगे, और हमारी रियाया के लिए जो मजबूत कड़ी हैं वो हमारी फौज के सिपाही, उनकी इस हिस्सेदारी के लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आप ही लोगों की खुशी में हम सब की खुशी है। ये सब जो तब्दीलियां की जा रही हैं वो सब आप ही के लिए हैं, हमारी रियाया के लिए, हमारे लिए नहीं। बस आप लोगों का सहयोग रहेगा तो आपका ये नवाब आपकी खिदमत में सेवा करता है। जहां पना अंग्रेज अपनी सेना को कलेक्ट कर रहा है, आपको सावधान रहना मांगता है। सुना, आप लोग भी अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है जहां पना, आपकी इजाजत के बगैर ना हम लोगों ने ऐसा किया है और ना कभी करेंगे। मैं जानता हूँ। गुस्ताखी माफ हो जहां पना, हमारे डिटेक्टिव्स ने बताया है कि आपके अपने भी अंग्रेजों से मिलते जुलते हैं। उसकी भनक है मुझे। अच्छा ये बताइए, सुना है आप लोगों और अंग्रेजों में लड़ाई होने वाली है? मैंने कासिम वाजार से वार्ड को बुलाया। मुझे डर है जहां पना कि अंग्रेज चंदन नगर पे आक्रमण करने वाले हैं। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आप हमारी पनाह में, आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है जहां पना। फ्रेंच व्यापारी और उनके सिपाही जो चंदन नगर में रहते थे, वे सिराज के हर हुक्म को मानते थे। लेकिन जब अंग्रेजों ने चंदन नगर पर कब्जा कर लिया, तब सिराज उनसे उनकी रक्षा नहीं कर पाए। हर वक्त फिक्र में डूबे रहते हैं। फिक्र तो करनी ही होगी, तुम्हारे लिए, इस मुल्क के लिए। समझ नहीं आता किस पर भरोसा करूं किस पर नहीं। काश दादू जिंदा होते। ठीक कहा, लेकिन अब तो वे नहीं है ना। अब आपको ही लेने होंगे सारे फैसले। मोहनलाल की तबीयत काफी खराब है, मुझे शक है कि उसे जहर दिया गया है। क्या? अभी थोड़ा बेहतर है वो। मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। दादा हुजूर भी दादी जान से इसी तरह बात किया करते थे। जंग के मामलों में भी वो उनसे राय लिया करते थे। तुम भी मुझसे कह सकती हो। नहीं नहीं, मैं आपको सलाह देना नहीं चाहती। क्यों नहीं? तुम्हारी नजरों में मैं नाकारा हो सकता हूँ, मगर मैंने इस छोटी सी उम्र में ही जिंदगी की बहुत सारी हकीकतों को जाना है। मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ, दीवानों की तरह प्यार करता हूँ। बोलो क्या कहना चाहती हो तुम? तुम्हारी मेरे लिए बहुत ही अहमियत है। मैं जानती हूँ नवाब के बारे में बहुत सी अफवाहें यूं ही फैल जाया करती है,
मैंने आपके और रानी भवानी की बेटी तारा सुंदरी के बारे में बहुत कुछ सुना है। एक वक्त था जब मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी, मगर यकीन मानो मैंने उसके साथ कोई नाइंसाफी नहीं की। लोग चाहे यकीन करें या ना करें, मगर मुझे यकीन है कि तुम मुझे समझ सकती हो। आप लोग तो जानते ही हैं, कलकत्ते से 250 कोस दूर भागीरथी के पश्चिमी किनारे पर टाना में हमारा एक छोटा सा किला है। अंग्रेज व्यापारियों ने 13 जून को उस किले पर कब्जा कर लिया और हमारे हथियार पानी में फेंक दिए। उसके बाद अच्छी खबर तो यह है कि हुगली के फौजदार ने अगले ही दिन उन्हें वहां से खदेड़ दिया। तो अब आप क्या चाहते हैं नवाब? आप सभी अक्लमंद हैं। मैं क्या चाहता हूं इस बात का अंदाजा आपको हो ही गया होगा। नवाब, कहीं आप कलकत्ते पर हमला तो नहीं करना चाहते? क्यों ना करें हमला? ये ठीक नहीं होगा। मेरे विचार से पहले आपको अपनी स्थिति को और मजबूत कर लेना चाहिए। स्थिति मजबूत करने के लिए ही कलकत्ते को जीतना होगा। मीर जाफर, आप तो सेनापति हैं, आप ही बताइए, कलकत्ते में नवाब की हुकूमत के रहते हुए भी क्या अंग्रेज अपनी एक नई हुकूमत चलाएंगे? ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूं, मेरे ही मुल्क में रहकर वे अपने किले को मजबूत कर रहे हैं। क्यों जंग की तैयारी कर रहे हैं? क्यों हमारे देश के व्यापारियों को तरह तरह से परेशान कर रहे हैं? और क्यों वो नवाब के विरोधियों को कलकत्ते में पनाह दे रहे हैं? उन्होंने कासिम बाजार के समझौते पर तामील नहीं किया है और व्यापार को जंग तक पहुंचा दिया है। नहीं, ये किला मैं उनके पास नहीं रहने दूंगा। आप सब लोग कलकत्ता जाने की तैयारी शुरू कीजिए। ऐसा ही होगा। सिराजुद्दौला को एहसास हो चुका था कि अगर कलकत्ता के फोर्ट विलियम को तबाह नहीं किया गया तो अंग्रेज व्यापारी इसे और भी खतरनाक बना देंगे। वो ये भी समझेंगे कि नवाब कायर है। 18 जून को नवाब सिराजुद्दौला ने अपनी पूरी फौज के साथ फोर्ट विलियम के लिए कूच किया। नवाब की फौज की तोपें गरज उठी। बरतानवी फौजियों ने मुकाबले की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। 20 जून को किले पर पूरी तरह से नवाब का कब्जा हो गया। दोनों ही जानिब लाशें गिरी। बहुत से अंग्रेज फौजी मैदान छोड़ भागे, कई मारे गए और नवाब की फौज ने बहुत से फौजियों को बंदी बना लिया। नवाब के द्वारा कलकत्ते का नाम अलीनगर रखा जाना। बाद में हॉलवेल ने कलकत्ता मुहिम के बारे में एक दास्तान गढ़ी जिसे ब्लैक होल ट्रेजेडी का नाम उसने दिया। उसने लिखा कि कलकत्ता में नवाब के फौजियों की जीत के बाद तकरीबन 146 अंग्रेजों को छोटे से कमरे में कैद रखा गया। इस वजह से कई फौजियों की मौत हो गई, लेकिन अक्षय कुमार मोइत्रोयो जैसे इतिहासकारों ने इस दास्तान को खारिज कर दिया। उनका मानना है कि इस ट्रेजेडी के बारे में पलासी की जंग से पहले तक क्लाइव या हॉवेल समेत किसी अंग्रेज फौजी या व्यापारी ने कहीं इसका उल्लेख नहीं किया। आप में कई मुझसे उम्र में बड़े हैं, आपकी अपनी फौजें हैं, जंग का तजर्बा भी है, मगर आप लोग एक मामूली सी बात को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? आप ही कहिए नवाब। अच्छा बताइए, वॉट्स एंड कंपनी के साथ समझौते में क्या कहा गया था? कलकत्ते में जो नए किले की चार दीवारी है उसको गिराने की बात कही थी उन्होंने। सजा से बचने के लिए कलकत्ता से भागे लोगों को शाही अधिकारियों के हवाले करना होगा। सही कहा। और क्या था बताइए? समझौते में कहा गया था कि कंपनी के लोगों द्वारा अगर महसूल बचाने के लिए निजी तौर पर धंधा किया गया तो उसमें नुकसान की भरपाई के लिए नवाब को मुआवजा देना होगा। मैंने आप सब लोगों के सामने पढ़ा था और आप लोगों ने देखा था, कुछ और भी था उसमें बताइए। जी हाँ हुजूर, हेलवेल ने रियाया पर जो जबरदस्तियां की हैं उसकी भरपाई होनी चाहिए।
तो बताइए फिर, इसमें किसका भला होना था? मेरा, मेरी बेगम का या मेरे कुनबे का? अरे आप लोगों को तो फख्र करना चाहिए कि आप लोगों के लिए मैंने ये फैसला लिया। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बाब, वॉट्स की गिरफ्तारी के मामले में मैं मालूम है। वॉट्स के बारे में मेरी वालिदा और बेगम ने भी मुझसे बात की है। वॉट्स तो एक अदना सा ऑफिसर है, उसको सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया है ताकि अंग्रेज जो कि कलकत्ते में बैठे हुए हैं इस समझौते की कद्र करें। वॉट्स को तो मैंने रिहा कर दिया है, मगर मुझे उम्मीद कम है कि कलकत्ते में बैठे अंग्रेज इस बात से कोई सबक लेंगे। कलकत्ता की कामयाब मुहिम के बाद सिराजुद्दौला ने अवाम की भलाई के लिए वक्त देने का इरादा किया, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल सका क्योंकि षड्यंत्रकारियों की मदद से अंग्रेज व्यापारियों और भाड़े के सिपाहियों ने कलकत्ता पर फिर से कब्जा करने का फैसला किया। इस बार अंग्रेज कब्जा करने में कामयाब रहे। अंग्रेजों और सिराज में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस अलीनगर संधि के मुताबिक अंग्रेज ताजरों को फिर से किला बनाने का अधिकार और दूसरी सुविधाएं हासिल हुई। अंग्रेजों ने इस संधि पर कायम रहने का नवाब को पूरा आश्वासन दिया, लेकिन बदनीयत व्यापारियों और फौजियों ने इसके विपरीत किया। उन लोगों ने चंदन नगर पर कब्जा करके फ्रांसीसी व्यापारियों और फौजियों को खदेड़ दिया। मीर जाफर, जगत सेठ और बंगाल के दूसरे कई साहूकारों की गद्दारी की वजह से रॉबर्ट क्लाइव और उसके साथी अपने सभी मंसूबों पर कामयाब रहे। सिराज को हकीकत का पता था, लेकिन वो इनकी हरकतों को रोक नहीं सके क्योंकि उलझन ये थी कि किस पर भरोसा किया जाए, किस पर नहीं। नमस्कार उमेद चंद, तुम मुझे अपना दुश्मन मानते? मैं तुम्हारा बर्ताव दुश्मनों जैसा है। मैंने तुम्हारा परिचय कितने लोगों से कराया, कपास खरीदने में तुम्हारी मदद की, वो भी सस्ते दामों में, और तुम मुझसे ही किनारा करना चाहते हो? लेकिन इसकी कीमत तो चुकाई है हमने। हाँ हाँ, बयाना दिया है, सिर्फ बयाना। और तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हें माल कितने सस्ते दामों में मिल रहा है। तुम भी तो रकम कमा रहा है, जायदाद बना रहा है। हाँ हाँ, बना रहा हूँ, लेकिन मेरी कमाई तुम फिरंगियों की मदद के बगैर कभी रुकती नहीं। बहुत खूब, अब मैं चलूँगा, लेकिन एक बात याद रहे, नवाब सिराज तुम पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते। उमेद चंद, मुझे ये मत समझाओ कि मुझे क्या करना है। एक बात याद रहे, बंगाल में तुम्हारा व्यापार मेरी मदद से शुरू हुआ है। भूमि चंद, जुबान संभाल के बात करो। गेट आउट नाउ, आउट। चलता हूं, नमस्कार। यद्यपि अमीर चंद उर्फ ओमी चंद अंग्रेज व्यापारियों के द्वारा बुरी तरह से जलील किए जाते थे, फिर भी उन्होंने सिराज के खिलाफ अंग्रेजों की ही मदद की। अंग्रेजों ने उन्हें झूठा दिलासा दिलाया कि सिराज के बाद अंग्रेज उन्हें ही नवाब बनाएंगे। अंग्रेजों ने मीर जाफर, जगत सेठ, राय दुर्लभ, अमीर चंद उर्फ ओमी चंद से साठ गांठ कर सिराज का तख्ता पलट करने का फैसला कर लिया। मैं आप सबको पहले बता चुका हूं कि मैंने दो कागजात तैयार किया है। The first one is original, असली,
जिसमें मैंने वादा किया है कि मिर्जाफर सिराज के बाद नवाब बनेगा। असल में वो होगा हमारा गुलाम और दूसरा है जाली नकली, जिसमें मैंने वादा किया है कि उमी चंद नवाब बनेगा। वेरी नाइस, बट अगर हमारे लंदन ऑफिस को ये सब पता चला तो? नो, नॉट एट ऑल। काम खत्म हो जाने के बाद पता चलेगा और वो समर्थन भी करेगा। गुड। हमारे सैनिकों द्वारा कलकत्ता और हुगली जीतने के बाद हमारी ताकत और बढ़ी है। Yes. चंदन नगर में फ्रेंच को करारी शिकस्त मिली है। स्वागत है होमी चंद। हवा भी आपकी ओर बह रही है हुजूर। Yes, that's right. Now come to the point. Listen carefully. ये है पलाशी का आम बगान, जहां पर हमारे फौज इकट्ठा होंगे। यहाँ उत्तर से दक्षिण तक 1600 यार्ड है और पूरब से पश्चिम तक 600 यार्ड है। बदमाश फ्रेंच? नो, फ्रेंच बंदूकबाज नवाब के करीब होगा। मिर्जाफर की ओर से सब ठीक है? कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन उसकी फौज? उसकी तरफ से भी नहीं। यार लतीफ और राय दुर्लभ भी हमारे ऊपर हथियार नहीं उठाएगा। तब तो डरने की कोई बात नहीं है। Yes, yes. No, no, डरने की बात है। Yes. अगर नवाब का विरोध करने वालों ने नवाब को धोखा नहीं दिया तो हम जंग नहीं जीत पाएंगे। But it's so dangerous. Yes. लेकिन हम कटवा से कूच कर चुके हैं। हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए। हम कलकत्ता और चंदननगर जीत चुके हैं। हमारे सैनिकों का उत्साह चरम पर है। हम इसे कम नहीं होने देंगे। Yes. ऐसा ही होगा। हमें आज रात ही आम बागान तक पहुंचना होगा सर। Yes. May God bless us. सिराज ने भी जंग की ठानी और पलासी की तरफ फौज कूच कर गई। जंग से ठीक एक दिन पहले रात के वक्त सिराज के खेमे में एक बैठक हुई। उस बैठक में सिराज के सारे सेनापति हाजिर थे, यहां तक कि जो गद्दार थे वो भी हाजिर थे। सिराज इन गद्दारों से अच्छी तरह वाकिफ थे, पर वे मजबूर थे। तुमने कुरान पाक की कसम ली है? मुझे मेरी कसम याद है नवाब। हमारे जासूस क्या खबर लाए नवाब? यही कि उमी चंद अंग्रेजों के साथ मिल गया। जहाँ पर आप ठीक कह रहे हैं। जी महाराज, नंदकुमार क्या कर रहे हैं? यही तो पता लगाना मुश्किल है। अगर हम में से किसी ने गद्दारी नहीं की तो हमारा जीतना तय है। मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूँ नवाब साहब, अपनी तलवार की सौगंध खाता हूँ आपके लिए, अपने मुल्क के लिए। या तो हम जीतेंगे या फिर रणभूमि में अपनी जान दे देंगे। शुक्रिया, अगर आप लोगों का साथ रहा तो फतेह हमें जरूर हासिल होगी। तेईस जून
1757 की सुबह 7 बजे उमसाई गर्मी के दौरान जंग का आगाज। टेक योर पोजीशन। नवाब की फौज अपने खेमों से बाहर आई। और बरतानवी कैंप पर जोरदार हमला किया। पलासी की जंग में नवाब की फौज के साथ साथ फ्रांस की सेना के कुछ सिपाही और यहाँ के देसी सिपाही जो कि फ्रांस की सेना में शामिल थे, उन्होंने भी हिस्सा लिया था। मिर्जाफर, राय दुर्लभ और यार लतीफ, ये तीनों मौजूद तो थे, लेकिन इन्होंने पलासी की जंग में हिस्सा नहीं लिया। ये तीनों चुपचाप खड़े जंग का जायजा लेते रहे। इधर ब्रिटिश फौज ने एक और कारगुजारी की। उन्होंने इन तीनों को डराने के लिए उनके खेमों के बाहर गोलों के धमाके शुरू कर दिए, ताकि वो नवाब की ओर से लड़ाई न लड़ सकें। इस जंग में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के सिर्फ 22 फौजी मारे गए और 50 घायल हुए। उनमें ज्यादा तादाद देसी सिपाहियों की थी। हमने गलती की तुम पे भरोसा किया। तुमने कहा था कि जंग बहुत छोटी सी हो। हुजूर, लड़ने वाले सारे सैनिक मीर मदन और मोहनलाल के हैं। इनको हटाया मतलब अपना काम हो गया। और मिर्जाफर, राय दुर्लभ, यार लतीफ, ये सब? हुजूर, ये सब तो आपके दास हैं। दास? उधर से एक भी गोला आते हुए देखा आपने? नहीं, वो तो नहीं देखा। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम जाके आम बगान में छिप जाओ, कोई तुम्हें देख ना पाए। जाओ। जोदुल्ला कभी खेमे से और कभी खेमे से बाहर इधर से उधर जंग का जायजा लेते रहे। अजीब उलझन, आखिर क्या करें? ये क्या हो रहा है? नवाब की फौज के
कम से कम 500 लोग मारे गए और जख्मी हुए। जाफर को बुलाओ। 18वीं शताब्दी के इतिहासकार गुलाम हुसैन ने लिखा है कि मीर जाफर खान अपने लश्कर के साथ असल फौज से कुछ दूर बाएं खड़ा था। अगरचा सिराजुद्दौला ने उसे अपनी तरफ आने का हुक्म दिया, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हटा। नवाब के वफादार मीर मदन अंग्रेजों की तोप के गोले से बुरी तरह जख्मी होकर गिर पड़े। इस जंग में मीर मदन की मौत हो गई और नवाब सिराजुद्दौला भीतर ही भीतर टूट गए। बहुत बार बुलावा भेजने के बाद आखिरकार मिर्जाफर ने सिराज से मुलाकात की। जाफर को अपनी कसम याद है नवाब? तो ठीक है, जाओ और लड़ो और इन अंग्रेजों को उखाड़ फेंको। दिन खत्म होने को नवाब, बेहतर होगा कि आप जंग को खत्म करने का हुक्म दें। कल सुबह सुबह हम उन पर हमला बोलेंगे। मोहनलाल को भी आप बुलवा लीजिए। ये क्या कह रहे हो तुम? दुश्मन पीछे हट रहा है, यही मौका है वार करने का। कहीं ऐसा ना हो कि कल हमें लेने के देने पड़ जाएं। ये मीर जाफर क्यों है नवाब, आप बिल्कुल फिक्र न करें, हम दुश्मनों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। तो ठीक है, फिर ऐसा ही करो। मोहनलाल को बुलाओ। रिट्रीट! उन्हें पता था कि अगर अंग्रेज फौज का पीछा किया गया तो जीत यकीनी है। वो मीर जाफर पर भरोसा नहीं करते और अपने वफादार मोहनलाल को वापस नहीं बुला लेते जो तन्हा बहादुरी से लड़ रहे थे। अचानक हुई थोड़ी सी बरसात से नवाब की फौज की कुछ रसद बर्बाद हो गई। इस वजह से भी नवाब की फौज को थोड़ा नुकसान पहुंचा था। क्या बात है रायदुल्ल? जापरा, मुझे तो लगता है कि अब आपको मुर्शिदाबाद वापस लौट जाना चाहिए, वरना हम जंग हार जाएंगे। हमें राजधानी को हर हाल में बचाना चाहिए। अब मैं चलता हूं।
ये क्या हो रहा है? मेरे कहने पर सारे लोगों ने अपने खजाने खोल दिए, चारों ओर से गद्दारों से घिर चुका हूं मैं। मेरे अपने ही लोग मेरे खिलाफ हो गए। अंग्रेजों ने उन्हें तोड़ दिया है। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। शाम के 5 बज चुके थे। नवाब की फौज की शिकस्त हो गई और मैदाने जंग पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। सिराज की इस शिकस्त का जश्न अंग्रेजों ने बड़े जोर शोर से मनाया। इस जश्न में मीर जाफर से लेकर बाकी सभी बागी शामिल हुए। मीर जाफर, हम जंग जीत गए। उम्मीद चंद, मीर जाफर, लेट्स हैव अ डांस। पलासी की जंग के बाद सिराज मुर्शिदाबाद लौट गया। उसने पूरी कोशिश की लेकिन अपनी फौज को इकट्ठा नहीं कर पाया और इसी उद्देश्य से उसने पटना जाने का फैसला कर लिया। नवाब सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद से निकल पड़ा लेकिन भगवान गोला में दुश्मनों की गिरफ्त में आ गया और मीर जाफर के बेटे मीरन ने मोहम्मद बेग के हाथों उसे कत्ल करवा दिया। पलासी की जंग को उन घटनाओं का आरंभ समझा जाता है जिससे भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य और उनकी जीत का दौर शुरू हुआ। कर्नल मेल्सन ने एक जगह लिखा था, सिराजुद्दौला की गलती चाहे जो भी रही हो लेकिन उसने कभी अपने मुल्क का सौदा नहीं किया। यही नहीं, 9 फरवरी और 23 जून के बीच जो कुछ हुआ उसका फैसला करने वाला कोई गैर जानिबदार अंग्रेज मुंसिब भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि सिराजुद्दौला का नाम मर्यादा और प्रतिष्ठा के पैमाने पर क्लाइव से कहीं ऊपर है। इस दुखद घटना के महत्वपूर्ण किरदारों में सिर्फ वही एक ऐसा किरदार था जिसने छल फरेब देने की कभी कोशिश नहीं की।